Hey, what up guys? So today we are going to be talking about the failures behind your affiliate marketing. Am I right? Yes, right. So what is the failure behind your affiliate marketing? I'm going to teach you today. Please. सो मैं कह रहा था औकात से ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा यहाँ. सो मैं बोल रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है, एफिलिएट मार्केटिंग इसमें आप फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या वजह है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में. तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो इस वीडियो को आप लाइक करो, सबसे पहले लाइक करो यार. आप लोग बहुत ज्यादा कम लाइक करते हो, और प्लीज कमेंट करके बताओ यार कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या नहीं. यस या नो ही लिख दो, इतना तो कर सकते हो राइट. तो इसके पीछे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अपने पैसों को जलाना नहीं है राइट. मतलब कि सिर्फ एड चला के वेस्ट नहीं करना है राइट. अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो यू कैन, बट अगर नहीं है तो समझो कि क्या चीजें हैं जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में फेल करा रही हैं. सो गाइज, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्या चीजें हैं जो आपको फेल कर रही है एफिलिएट मार्केटिंग में. सो सबसे पहले देखो एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग. अगर जो न्यू है उनको नहीं पता तो मैं बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग इज लाइक आप किसी कंपनी से प्रोडक्ट उठाते हो एंड उसका मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग करके उसको सेल कराते हो, तो वो कंपनी आपको कुछ कमीशन देती है, लाइक दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग. दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग. यस, औकात से ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए. ओ सॉरी. सो दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग. सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग. लाइक फर्स्ट, एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट को चूज करना आपको आना चाहिए राइट. प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है भाई, कौन सा प्रोडक्ट है, इस मार्केट में इसकी डिमांड है भी या नहीं, आपको पता है कि नहीं कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एफिलिएट मार्केटिंग में राइट. अब जो नेक्स्ट चीज़ आता है, इस प्रोडक्ट को शोकेस कैसे करें. तो शोकेस करने के लिए चाहिए रहता है आपको लैंडिंग पेज. आपको पता होना चाहिए कि लैंडिंग पेज को कैसे बनाया जाए. मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू मेक लैंडिंग पेज, विच टू यूज़ और नॉट, कौन सा टू यूज़ करें या ना करें, मतलब लोगों को पता ही नहीं है राइट कि कैसे टूल्स का यूज किया जाता है, कैसे लैंडिंग पेज बनाया जाता है, कैसे उसमें स्टोरी टेलिंग की जाती है, कैसे उसमें ट्रिगर किया जाता है. दे डोंट नो एनीथिंग, जस्ट दे नो कि एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी होती है, लेट्स गो ऑन फेसबुक एड्स एंड स्टार्ट प्रमोटिंग एंड देन बूम फेल राइट. इसमें क्या हो रहा है, आप अपना टाइम भी ले गए, अपना मनी भी ले गए राइट. पैसे तो आपने जला दिए राइट. सो आपको पहले समझना पड़ेगा हाउ टू मेक लैंडिंग पेज. देखो अगर आपके पास एक शॉप है तो आपका शॉप एक शोकेस है, मतलब आप वहां पर अपने प्रोडक्ट को शो कर रहे हो, लोग आ रहे हैं और खरीद रहे हैं. वैसे ही लैंडिंग पेज भी आपका एक शॉप है, जो डिजिटल शॉप है, लोग वहां पर आ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, देन वो चीज़ें खरीद रहे हैं. तो आपको समझना पड़ेगा हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज. इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज, इफ यू डोंट नो हाउ टू used to make landing page, you will go on right. So please understand this third thing, ads. How to make ads right. Ab how to make ads ke pehle bhi main do cheez aur yahan par count karunga, that is called paid and second one organic right. Agar main paid mein jata hu, so there is two, FB and the second thing आपका Google Ads. देखो Google Ads और FB Ads दोनों का बहुत अलग अलग यूज है. अब मेरे लिखने पे मत जाना, लिखना बहुत सुंदर है राइट. सो दोनों का बहुत ज्यादा अलग यूज है. FB Ad इट मीन अ शोकेस, मतलब बोलना ये चाहता हूँ मैं, लाइक अगर आप फेसबुक पे हो मतलब वहां पर लोग क्या हैंग आउट करने के आते हैं, चिल करने के लिए आते हैं. सो वहां लोग आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं खरीदते राइट. सो आफ्टर द फेसबुक एड यू हैव टू शो द लैंडिंग पेज, दैट इज योर शोकेस. मतलब कि आपका लैंडिंग पेज बहुत बेहतरीन होना चाहिए और उससे ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए आपका एफबी एड. जब एफबी एड पे बंदा क्लिक करेगा तब तो वो लैंडिंग पेज पे जाएगा. अगर एफबी एड पे क्लिक ही नहीं करेगा तो लैंडिंग पेज पे कैसे जाएगा. अब एफबी एड के अंदर अगर हम लोग घुसते हैं तो वहां बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है कि एफबी एड को ऐसे रन करते हैं तो उसका सीपीसी कम आता है, तो इसमें कम बजट लगता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो आपको वो चीज जब पता ही नहीं है तो आप कैसे एफबी एड्स को रन कर सकते हो.
राइट। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आपको नहीं पता हाउ टू मेक बिरयानी और आप जा रहे हो बिरयानी बनाने, इसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे, उसमें जो सारी चीज़ें रहती हैं उसको मिलाओगे उलाओगे और बन गई बिरयानी, राइट। वैसे ही आप क्या करते हो एफिलिएट मार्केटिंग में, आपको पता है फेसबुक एड्स होता है, लैंडिंग पेज होता है, बस आप कैसे भी उसको मिक्स करोगे और लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ क्या करोगे, आप अपना टाइम और पैसा दोनों बर्न कर दोगे, राइट। ऐसे ही गूगल ऐड का भी बहुत अलग अलग यूज़ है, और गूगल ऐड बेस्ट है न्यूबीज के लिए और प्लस एक्सपर्ट्स दोनों के लिए ही, बट न्यूबीज को ज़्यादा हेल्प कर सकता है बिकॉज गूगल ऐड से उनको सेल्स जो है वो तेज़ी से मिलते ही, राइट। गूगल ऐड्स मैंने भी स्टार्ट किया पिछले साल से, मैं पहले एफबी ऐड से करता था बिकॉज मुझे एफबी ऐड आता था, राइट। गूगल ऐड का उतना नॉलेज नहीं था, बट पिछले साल से 2019 से मैंने स्टार्ट कर दिया गूगल ऐड, एंड अभी तक बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है गूगल ऐड का, राइट। इन फ्यूचर मैं शेयर भी करने वाला हूँ, बट अभी नहीं, इन फ्यूचर एक आध दो महीने बाद गूगल ऐड्स का रिजल्ट मैं शेयर करूँगा सुन। तो आपको ये दोनों चीज़ पे पहले एक या दोनों पे आपको अच्छे से कमांड लेके आना है कि भाई मुझे ये चीजें आ गई हैं, तभी अपना पैसा लेके इसमें जाना है, अदरवाइज यू आर ओनली बर्निंग योर मनी। गाइस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यू आर ओनली बर्निंग योर मनी, राइट। तो तीन चीजें हैं जो अभी आप सही से कवर भी नहीं करते हो और अभी एड में हो जाते हो, इसके बाद ये तो हुई तीन चीजें। अब इसके बाद आता है उसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा नाम है उसका, दैट इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग, या कहो फॉलो अप। गाइज असली गेम जो होता है ना गाइज, जो ये जो सामने का गेम है, ये तो सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं, एक जीत की तैयारी है, इस टाइप का लाइन यूज कर सकते हो आप, लेकिन उसके बाद जो चीज होता है ईमेल मार्केटिंग एंड फॉलो अप, दिस इज द गेम। यू डोंट नो हाउ टू फॉलो अप, यू डोंट नो हाउ टू यूज पिक्सल्स टू रिटारगेट द ऑडियंस, यू डोंट नो हाउ टू सेंड ईमेल्स, यू डोंट नो हाउ टू ऑटोमेट द ईमेल्स, यू डोंट नो हाउ टू टॉक विद द कस्टमर, यू डोंट नो हाउ टू ऐड द वैल्यू विद द कस्टमर्स, एंड यू डोंट नो एनीथिंग, राइट। And you are promoting what products for affiliate marketing? Hell man, आप सिर्फ अपने पैसे को बर्न कर रहे हो। बिलीव मी, इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग, लर्न थिंग्स लाइक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लैंडिंग पेज, हाउ टू मार्केट एड्स, मार्केटिंग प्रोडक्ट, ईमेल मार्केटिंग, फॉलो अप्स, ऑटोमेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, राइट। देखो $100 लगाओगे, जरूरी नहीं है $100 रिटर्न है, बट अगर सीख के $100 लगाओगे $1000 आएगा, आई कैन गारंटी यू, बिकॉज आई डिड दिस जॉब, आई डन दिस जॉब, राइट। सो प्लीज प्लीज, इफ यू आर गोइंग टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, डजेंट मैटर कि सीपीए मार्केटिंग है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, डजेंट मैटर। देखो सीपीए मार्केटिंग में लोग समझते हैं भाई बहुत ज्यादा पैसा बना लेंगे, इट्स नॉट अ खेल। सीपीए मार्केटिंग में आप जैसे जाओगे आपका एफबी अकाउंट बैन हो जाएगा बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्रमोट सीपीए लीड्स, राइट। यू डोंट नो, राइट। सो पहले समझो कैसे एफबी ऐड काम करता है। यू डोंट नो हाउ टू वर्क विद बींग एड्स, यू डोंट नो हाउ टू वर्क विद नेटिव एड्स, यू डोंट नो हाउ टू वर्क विद पुश नोटिफिकेशन, यू डोंट नो, राइट। फर्स्ट ट्राई टू नो where you have to put your efforts, where you have to put your money, where you have to put your time. So इस चीज़ को समझो, जब चीज़ को आप समझोगे तब आप affiliate marketing ग्रो पर करवाओगे। CPA marketing harder than product marketing जो आप affiliate marketing में करते हो, ये मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ। अगर ऐसा होता, सोचो थोड़ा, आप सोचते भी नहीं हो, आई डोंट नो क्यों नहीं सोचते हो, सोचो इस बारे में, अगर सीपीए मार्केटिंग इतना इजी रहता तो आज जितने भी एफिलिएट मार्केटर वो सीपीए मार्केटिंग ही क्यों नहीं करते, वो प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हैं। देर इज गेम बड़ी, देर इज अ गेम। आप जब समझोगे, जब आप बहुत ज्यादा अपना पैसा बचा लोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बी अलर्ट, प्लीज अलर्ट। दिस इज द रीजन यू आर कंटिन्यूसली फेल 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 एंड फॉलिंग इन द फेल वेल, राइट। सो प्लीज बी केयरफुल गाइज, अगर आपको सक्सेस चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग में, वर्क ऑन योर सेल्फ, हाउ टू चूज द प्रोडक्ट, हाउ टू मेक द लैंडिंग पेज, विच टूल यू हैव टू यूज, एड्स कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, एफबी एड्स को कैसे लर्न करना है, गूगल एड्स को लर्न कैसे करना है। जब आप ये चीज सीख जाओगे ना, सो आप किसी भी चीज को सेल कर सकते हो, राइट। किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हो, डजंट मैटर कि मैक्स बॉन्टी है, क्लिक बैंक है, वॉरियर प्लस है, जीवी जू है, वॉट एवर, राइट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, और मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप लर्न करने के लिए तैयार हो, कि आप लर्न कर रहे हो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, प्लीज गो एंड टाइप, इट्स टेक योर 1 मिनट एंड यू आर बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रॉन्ग एफिलिएट मार्केटिंग मेथड्स।
सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको बहुत 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 अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या नहीं करते हो ये कमेंट में जरूर बताना। नए मेहमानों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए ये या ये दोनों में से किसी भी वीडियो को देखो, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, जय हिंद।